बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाना है आपको पेपर बैग, यानी न्यूज़पेपर से एक अपना शॉपिंग बैग। ये मैंने बना के एक रखा है, अब आप देखिए आपको कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, जो कि हम सबके घर में आता है, और आपको चाहिए एक स्केल, और आपको चाहिए एक पंचिंग मशीन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेविकोल, और चाहिए दो स्ट्रिंग्स। इसके जगह आप साटन का रिबन या कोई भी थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कागज के दो छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं। A4 साइज का शीट लिया था, उसके मैंने दो छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, यानी कि 1/4। चलिए शुरू करते हैं पेपर बैग बनाना। ये हमने अखबार लिया है, पहले हम इसके ये डबल साइडेड है, यहाँ पे हम थोड़ा फेविकोल लगा देंगे जिससे कि थोड़ा स्टिफ हो जाता है। ये ऐसे ऐसे करके हमने थोड़ा सा फेविकोल लगा दिया पूरे पेपर में। इसको जरा आराम से और थोड़ा ज्यादा लगाना है हमको, फेविकोल थोड़ा स्टिफनेस देता है पेपर को, जिससे कि हमारा बैग जो बनेगा वो थोड़ा स्टेबल रहेगा, नहीं तो पेपर का बैग जल्दी से फट जाता है। अब इसको स्केल से हम इवन कर देंगे चारों ही डायरेक्शंस में। देखिए अब पेपर थोड़ा सा स्टिफ हो गया। अब ये आप पेपर में देख रहे हैं सेंटर लाइन होती है, ऐसे फोल्ड करेंगे तो सेंटर लाइन होती है, हम सेंटर लाइन तक नहीं करते, सेंटर लाइन से का आधा करते हैं और एक साइड आधे से थोड़ा और कम करते हैं, जिससे कि पेपर ओवरलैप करे। ये हमको सेंटर में करना है, साइड में बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो पेपर आपका बैग जल्दी से फट जाएगा। ऐसे इसको फोल्ड किया और यहाँ पे हम फिर से फेविकोल लगाएंगे, थोड़ा जिगजैग जिगजैग करके लगाइए तो अच्छी तरह चिपक जाएगा आपका अखबार और आपका बैग नीट बनेगा। ये देखिए लग गया। हम इसको स्केल से फिर से इवन कर देते हैं। पेपर थोड़ा डेलिकेट होता है इसलिए हम स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो न्यूज़पेपर है उसमें दो साइड्स होते हैं, एक साइड देखिए ऐसे ओपन वाला होता है, एक साइड ये जॉइंट वाला होता है। तो हम अब ये जो ओपन वाला साइड है इसमें हम यहाँ पे ऐसे स्केल रखेंगे और इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे तो एक क्रीज बन जाएगी। इसके बाद ऐसे एक वी जंक्शन बनाएंगे और इस साइड भी ऐसा ही वी जंक्शन बनाएंगे। इसको आधा यहां से मोड़ा मैंने, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और आधा यहां से मोड़ा मैंने, जिससे कि हमारा बेस स्ट्रांग बनेगा। अब हम यहां पर फिर से फेविकोल लगा रहे हैं। देखिए मैं जिगजैग करके लगा रही हूं जिससे कि अच्छी तरह से वो चिपक जाए। अब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा बैग की शेप तो आ गई है ना, ये देखिए बन गया बैग का। अब क्या करना है, ये जो मैंने पेपर लिया था इसको हम जो ओपन वाला साइड है, ध्यान से देखिएगा यहां पे हम इसको दोनों साइड में थोड़ा चिपका देंगे, बट ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल हो, दोनों की डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए, इधर से भी बराबर दोनों का होना चाहिए और इधर से भी बराबर होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये कहिए कि आपके बैग के सेंटर में लगेगा ये। अब इसको भी हम यहाँ पे ऐसे फेविकोल लगा के चिपका दे रहे हैं और ये देखिए हम इस साइड भी ऐसे ही फेविकोल लगा के इसको भी चिपका दे रहे हैं। तो बन गया आपका पेपर बैग। बस इसमें एक चीज बाकी है, पता है क्या बाकी है?
की है हैंडल। मैंने कहा था पंचिंग मशीन चाहिए हमको, अब हम इसमें पंचिंग मशीन से पंच करेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट, हम ध्यान रखते हैं कि ये थोड़ा सा सेंटर में आना चाहिए जिससे कि कोई सामान रखें तो हमको कैरी करने में आसानी हो। ये बन गया, अब ऐसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। मैंने पेपर लगाया है इसलिए थोड़ा मोटा हो गया है ये, इसलिए जल्दी से जा नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखिए ये हो गया पंच। अब इसमें हम डाल देंगे थ्रेड। मैंने आपको बताया था हमको एक थ्रेड चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा ये बाहर की तरफ से अंदर आएगा और इधर से भी बाहर की तरफ से अंदर आएगा। पंचिंग मशीन से करते हैं तो थोड़ा होल बड़े बड़े होते हैं और आसानी से अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए, बस बन गया आपका सुंदर सा पेपर बैग। ये देखिए एक नॉट लगा दी मैंने और अब हम इस साइड भी ऐसे ही कर देंगे। ये देखिए इधर से भी मैंने डाला और इधर से भी मैंने डाला, ऐसे बस फिंगर से एक नॉट लगा दिया इसमें। इस साइड भी मैंने फिंगर से एक नॉट लगा दिया इसमें। सो बन गया आपका पेपर बैग। अभी ये थोड़ा सा वेट है इसलिए हम इसको जरा आहिस्ते से इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका पेपर बैग। इसमें आराम से सामान रख सकते हैं, काफी स्पेस है इसके अंदर। देखिए मैं फेविकोल इसके अंदर रख रही हूँ और मैंने अपनी पंचिंग मशीन भी इसके अंदर रख दी। ये मेरा बन गया सुंदर सा कैरी बैग। और बाद में एक इम्पोर्टेंट काम, आपको इसको डेकोरेट भी करना है। डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे बो लगा सकते हैं, आप फ्लावर्स लगा सकते हैं, आप पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर के उसकी कटिंग करके यहाँ चिपका सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहिए वैसा करिए। समझ में आया बच्चों? थैंक यू सो मच।